अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज ये पहली वीडियो बना रही है हमने बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और मेरी कोशिश रही है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आई फील कि फेसबुक एड्स में फिर भी काफ़ी नॉलेज लोगों को थी, बट एसईओ में बेसिकली इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो एसईओ को मैं बिल्कुल बेसिक की तरीके से चलाऊंगा ताकि आपको कोई एक एक चीज़ समझ में आए, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जरूर लेट मी नो। ओके, सो बेसिकली हम एक एक चीज़ लेके चलते हैं। मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया कोर्स का, पावर पॉइंट में डाल दिया ताकि हम कोई चीज़ मिस ना करें, और सब चीज़ें मैं आपको कोर्स में शेयर भी कर दूंगा, सो यू गाइज डू नॉट नीड टू राइट एंड कॉपी दिस थिंग्स। और एस उजैफा सेट के लेक्चर्स को मूवी की तरह देखो पहले, फिर उसके बाद उसमें से नोट्स लो, फिर उसके बाद उसमें एक्शन पॉइंट्स लो। तो डेफिनेटली कोशिश आपको यही करनी है कि पहले सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसके बाद ये करना है। अच्छा, एसईओ से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्च क्या है, व्हाट इज़ सर्च एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सर्च एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो पहले हम सर्च की बात कर लेते हैं। सर्च क्या चीज़ है? सर्च, जब भी आप कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसको हम सर्च कहते हैं। यू आर सर्चिंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लोगों का मोबाइल खो जाता है, कीज़ खो जाती हैं, मोबाइल का चार्जर खो जाता है, तो वो सर्च करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप डिजिटली कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो उसको हम डिजिटल सर्च कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आजकल लोग इतना एडिक्ट हो गए हैं इंटरनेट के डिवाइसेस के कि उनको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो गूगल पे लिख के पूछते हैं। सीरी, अगर आईफोन वाले तो सीरी से वॉइस मैसेज पे पूछ लेते हैं। अब ये सर्च जो है ना, ये डिफरेंट क्वेरीज से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग क्लिक लिख के लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल बात करें, से आजकल मतलब बेहतर करें, कोरोना वायरस चल रहा, तो पीपल आर सर्चिंग अलॉट अबाउट कोरोना वायरसेस, तो लिख के सर्च कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, टाइम नहीं होता, तो वो वॉइस सर्च करते हैं, तो वो भी इसी के अंडर ही क्वेरीज आएगी। जब वो गूगल में भी वॉइस सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स फिर भी उसमें भी आ जाते हैं। तो सर्च बेसिकली डिजिटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं अभी 30s में हूँ, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो 40s या 50s में, तो उनको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होता, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी ड्यूरेशन गया है वो इस फेस में नहीं किया डिजिटल। बट जो मेरे बच्चे हैं वो अभी आई गेस 3 ईयर्स का है, एंड ही नोज हाउ टू ओपन अ यूट्यूब, हाउ टू सर्च हिस वीडियोस और कार्टून्स, एंड हाउ टू प्ले इट, हाउ टू म्यूट इट। मतलब काफ़ी, मेरा बच्चा नहीं, आएगा सबके बच्चे होंगे, आप लोग सब रिलेट कर सकते होंगे। तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो कि अभी 15-20 साल की भी हैं, जो उसके बाद भी जनरेशन आने वाली है, वो एक डिजिटल फ्रीक होगी, एंड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू द पर्सन, बट दे लव टू स्पेंड द टाइम ऑन इंटरनेट। और अभी तो कोरोना वायरस की वजह से तो वैसे ही इंटरनेट पर सारी चीज़ें बढ़ गई हैं हमारी। मेरी एफिलिएट की जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बढ़ गया है। क्यों? अच्छा, वो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उसमें मैंने इंटरटेनमेंट से कुछ कंटेंट लिखे हुए। अब पीपल आर स्पेंडिंग द टाइम एट होम, और लोगों का बिजनेस बंद हो रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग मोर ट्रैफिक ऑन माई वेबसाइट, एंड बाई गेटिंग मोर ट्रैफिक आई मीन आई एम गेटिंग गोइंग टू गेट मोर सेल्स एज वेल। क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करता हूँ, दैट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, उसको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। आपने यहाँ पे परचेज की, विद इन अ मिनट इट विल बी इन योर इनबॉक्स, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई फिजिकल इंटैक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसमें वायरस की। तो इट्स अ डिजिटल एरा बेसिकली, तो सब चीज़ें डिजिटल ही जा रही, तो दैट इज़ वाई सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पार्ट सर्च हैज़ कंप्लीटेड, टॉक अबाउट द इंजन्स। व्हाट आर द इंजन? गाड़ी आप लोग ने देखी होगी, बाइक देखी होगी, कोई भी चीज़ चलाते हैं बंदर, तो उसके लिए एक इंजन चाहिए होता है। इंजन के बेसिस पे सारी फंक्शनैलिटी उसकी चलती है। अब आपने इंटरनेट से कोई चीज़ पूछनी है कि सर्च में लेट्स सपोज कोरोना वायरस के बारे में ही, तो आप
को उसको पूरे एल्गोरिथम चाहिए, उसको पूरी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसपे वो आपकी सर्च टर्म को समझे कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, फिर उसमें इंटरनेट में हजारों करोड़ों लाखों कंटेंट में से ढूंढ के वो सही कंटेंट आपके सामने लेके आएगी, जो आप ढूंढ रहे हो वही यही है। तो उसको कहते हैं इंजन, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल बहुत सारे इंजन हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज, बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन है वो है गूगल। 80-90% लोग यही फोकस करते हैं, बिंग है, याहू है, डक डक गो है। तो दीज आर द फोर बेसिकली टॉप इंजन्स। हो सकता है फ्रेंच में, रशिया में बिल्कुल एक अलग इंजन हो, चाइना वाले जैसे अपने फेसबुक बैन किए हुए, गूगल बैन किया हुआ, तो उनके अपने सर्च इंजन्स होंगे, उनके अपने फेसबुक वगैरह होते हैं। तो बट हम ग्लोबल में काम करते हैं, हम यूएस में काम करते हैं, तो यूएस में मोस्टली गूगल का काम चलता है। सो सर्च इज द क्वेरी जो आप ढूंढ रहे हैं, जहाँ आप ढूंढ रहे हैं वो है इंजन, तो इसको कहते हैं सर्च इंजन, ऐसा इंजन जहाँ पे आप अपनी सर्च क्वेरीज को ढूंढ सकते हैं। नाउ द व्हाट इज द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? अच्छा, आप लोग ने, काफ़ी लोगों ने सुना है एसईओ एसईओ एसईओ, हाउ मैनी ऑफ यू, मैं इस डेफिनेशन को भी पढ़ लें तो आई गेस इट्स वेरी हार्ड फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड वॉट इज एसईओ। मैं कुछ सेकेंड्स के लिए खामोश होऊंगा और आप अपने आप को खुद जवाब दें कि व्हाट डू यू थिंक एसईओ क्या है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो आप अपने आप की इंफॉर्मेशन को मैच कीजिएगा कि हाउ करेक्ट यू आर और हाउ रॉन्ग यू आर। तो खुद से सोचें, 10 सेकंड लें, एसईओ आपके हिसाब से जहन में क्या, चाहे तो लिख लें कहीं पर। ओके, गॉट इट। चलो अब मैं बताता हूँ हम लोगों को एसईओ क्या है। सिंपल सी ये डेफिनेशन भी बहुत मुश्किल लिखी हुई है, ये मैंने इंटरनेट से निकाल के लिखी है ताकि आप लोग जब इंटरनेट पे सर्च कर लोगे, आई एम नॉट श्योर आप में से 10 सेकंड में कितने लोगों ने इंटरनेट पे सर्च किया, तो प्रॉबली यू विल गेट द सेम डेफिनेशन प्रॉब्लम, सही है। अच्छा, अब सर्च एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यू गाइस हैव अ बेटर आइडिया नाउ सर्च व्हाट इज सर्च इंजन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन ऐसे एक कोई भी चीज़ हो, काम उसको बेहतर तरीके से करने को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। काफ़ी लोगों से सुना होगा इसको ऑप्टिमाइज करो, इसको ऑप्टिमाइज, उसको बेहतर करो। तो आसान अल्फाजों में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो बात होती है, तो आप इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं करते, आप अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते हो। जो भी चीज़, जो आपका पेज है, वेब पेज, उसको इतना ऑप्टिमाइज करो सर्च इंजन के लिए कि सर्च इंजन उस कीवर्ड पे उस प्रोडक्ट को या उस वेब पेज को रैंक करे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें सर्च इंजन गूगल बोलता है कि मैं इन इन चीज़ों को वैल्यू देता हूँ और इस तरह के पेजेस को लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, मैं अपना पूरा पेज वैसे ही बनाता हूँ जैसा गूगल कह रहा है कि उसमें हेडिंग इस तरह से हो, ये टैग्स हो, इतना लंबा कंटेंट हो, इमेजेस हो, पेज बहुत जल्दी लोड होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट्स में इंस्टॉल होने चाहिए ताकि यूज़र को उसकी कोई प्राइवेसी लीक ना हो। तो मल्टीपल वो सारे फैक्टर्स हैं, वो हम डेफिनेटली आगे कुछ वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो आपकी अगर वेबसाइट वो सारे स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट फॉलो कर लेगी, तो आपने ऑप्टिमाइजेशन कर ली। फिर उसके बाद उसकी और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन, वो एक अलग प्रोसेस है। तो बट इनिशियल फेज में आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर ली। नाउ लुक एट द दिस डेफिनेशन ऑफ, इसको हम देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर वेबसाइट। अच्छा, क्वालिटी मैंने आपको अभी डिफाइन की, जो गूगल कह रहा है वो चीज़। क्वान्टिटी क्यों कहते हैं? जब आपको एक वेबसाइट को रैंक कराना है ना गूगल पे, ऐसे हो तो गूगल कहता है एक पेज आप लिखोगे तो रैंक नहीं होगे, आप मुझे बहुत सारे पेजेस लिख के दो। क्यों? क्योंकि गूगल, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपका, हम इसमें कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोबाइल की वेबसाइट आपने बनाई है, ठीक है। अच्छा, हम सारी एग्जाम्पल इसमें मोबाइल की, सारे आगे से जो भी हम सारे काम करेंगे उसमें इसी एग्जाम्पल को फोकस करेंगे ताकि हम पूरी एक स्ट्रेटजी बना लें। अगर आप में से कोई बंदा मोबाइल पे काम करता है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि उसको आधे से ज़्यादा काम मैं ही करके दे दूंगा इसमें कि क्या होना है क्या नहीं होना। मैंने कभी मोबाइल में काम नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ये इंडस्ट्री अभी
बैठे बैठे पिक की, इसीलिए ताकि मैं इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकूं। अगर मैं आपको एग्जांपल उस चीज़ की दूं जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो मुझे उनकी चीज़ें रटी हुई हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको स्क्रैच से नहीं, मैं जहन में जो चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसे काम होता है। क्वांटिटी क्यों चाहिए? क्वांटिटी अगेन, आपने एक मोबाइल लगा दिया या एक मोबाइल के बारे में कह दिया। लेट सपोज आपने कहा iPhone X, आपने कहा रैंक ही नहीं हो रहा ये, तो गूगल को ये बताना पड़ेगा कि आप एक अथॉरिटी वेबसाइट हैं फॉर मोबाइल इंफॉर्मेशन, तो आप 1,000 मोबाइल की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो जमानेगा कि हाँ ये मोबाइल पे कंटेंट बनाते हैं ये वेबसाइट और ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। अच्छा, क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज टू यूज़र और अ वेबसाइट। इतनी आसान बात इसने इतनी मुश्किल करके लिखी है, और ये क्यों लिखते हैं? ये इसीलिए लिखते हैं ताकि आप लोग के समझ में नहीं आए और आप लोग उनसे पूछें। ये सिंपल सी इसने बात लिखी है कि जब आप एक अच्छा काम अपनी वेबसाइट पे करेंगे तो गूगल आपको ऊपर से दिखाएगा, विजिबिलिटी होगी तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। SEO रेफर्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ अनपेड रिजल्ट। अनपेड क्यों कह रहे हैं, ये हमारी अलग आगे स्लाइड है, मैं उसमें बता दूंगा। एंड एक्सक्लूड डायरेक्ट ट्रैफिक, ये सब लाइन आप भूल जाएं, ये बिल्कुल मिस गाइड करने वाली बात है कि ये ट्रैफिक नहीं है तो वो ट्रैफिक नहीं। सिंपल सा है कि SEO के थ्रू जो ट्रैफिक आएगा वो ऑर्गेनिक होगा, दैट्स इट। गूगल पे हमें टॉप पे रैंक होना है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उसके कीवर्ड पे जिस तरह का कंटेंट गूगल को चाहिए वो हम लिख के देंगे भाई, उसको लिखेंगे, उसको रैंक कराएंगे इंशाल्लाह, उस पर लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे, ट्रैफिक आएगा, बंदा प्रोडक्ट परचेस करेगा, दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, हाउ गूगल सर्च वर्क्स। अब ये फिनोमिना जो मैंने आपकी बात की थी ना, कि इंजन होता है पूरा, एल्गोरिथम होता है, फंक्शनैलिटी होती है, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि सर्च तो आप क्लिक देते हो बट वो पीछे काम कैसे होता है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है रैंकिंग। तो मैं तीनों को बहुत डिटेल में डिफाइन कर दूंगा ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने नई वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने बनाई, मोबाइल की हम बात कर रहे थे, आपने बनाया mobilearena.com, और आई एम नॉट श्योर कि इसमें है या नहीं वेबसाइट, होगी हो सकता है, बट mobilearena.com बनाई आपने, और आपने उसमें 100 मोबाइल की इंफॉर्मेशन डाल दी, डिफरेंट सैमसंग, आईफोन, हवावे, क्यू मोबाइल, ये मोबाइल तो वो मोबाइल। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने एक वेबसाइट बनाई? आपने गूगल पे तो नहीं बनाई, गूगल के अपने डोमेन से तो नहीं बनाई, आपने किसी और जगह पे बनाई, गोडेडी से बनाई है या आपने शॉपिफाई पे बनाई है, कहीं पे भी बनाई है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी एक वेबसाइट है जो कि उसको गूगल को दिखा रही है? सोचिए इसको ज़्यादा, कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है कि गूगल के जो बॉट होते हैं, जो पेजेस को विजिट करते हैं, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब आपकी पेज को विजिट कैसे मिलेगा? अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, साइट मैप, जो कि हम आगे वेबसाइट सेटअप में समझेंगे। तो आप एक साइट मैप, एक बेसिकली फाइल का नाम है जिसमें आप अपने सारे पेजेस की डिटेल बताते हैं गूगल को, और वो फाइल गूगल में सबमिट करा देते हैं, तो गूगल उस फाइल को रीड करता है और आपकी वेबसाइट पे वो पॉट भेजेगा और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। क्रॉल से मतलब पूरी वेबसाइट को विजिट करेगा, उसको देखेगा। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही बनी हुई है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्रॉल करने के बाद वो उसको इंडेक्स करेगा। इंडेक्स क्या कहते हैं? इंडेक्स ये कहते हैं कि उसको सर्च इंजन में अपनी विजिबिलिटी देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट पेज पर देगा, कहीं भी देगा, हो सकता है आफ्टर 200 रिजल्ट हो सकता है आफ्टर 400 रिजल्ट, बट उसको वेबसाइट को विजिबिलिटी देगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई इशू नहीं है और गूगल ने इसको इंडेक्स करना शुरू कर दिया, मतलब अपने पास रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वंस वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेगा और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा, तो उसके बाद हमारा रैंकिंग फैक्टर होता है, फिर हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसको 200 से 20 पे लेके आते हैं, 20 से फिर 2 पे लेके आते हैं, 2 से फिर 1 पे लेके आते हैं। तो दैट्स हाउ गूगल सर्च वर्क्स। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM। ये वही बात का जवाब है जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये अनपेड क्यों ट्रैफिक है। SEO जो होता है ये अनपेड होता है, और SEM जो होता है ये पेड होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक सर्च क्वेरी हम देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, मोबाइल की बात की थी ना, लेट सपोज हम सर्च करते हैं आईफोन एक्स कवर्स, अच्छा अगर मैं यहाँ पे मैंने वीपीएन लगाया हुआ है, फ्री वाला मुफ्त का वीपीएन लगा हुआ है जेनमेट, तो इसको मैं छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करता रहता हूँ। अच्छा अब ये देखें एड्स आ गए, ठीक है, और ये अमेज़ॉन की लिस्टिंग आ रही है, जो लोग आईफोन अमेज़ॉन पे कवर बेच रहे हैं वो देख लें भाई क्या कैसे आते हैं यूएस से। मेरे पास मैंने ये लोकेशन, एक काम करते हैं इसको हम इनकॉग्निटो विंडो पे भी खोल लेते हैं, आईफोन एक्स कवर्स। अच्छा ये देखें स्पॉन्सर्ड एड आना शुरू हो गए डॉलर्स में, ठीक है, और ये अमेजोन के केस आ रहे हैं, मेरे पास आईपी लगी हुई है न्यूयॉर्क। अच्छा अब ये एड्स आ रहे हैं। अच्छा इसके अलावा एक और किस्म के ऐड होते हैं जो यहाँ पे अलग से आ रहे थे, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। आईफोन एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो लेट्स सी क्या आता है। अच्छा इसमें एप्पल आ गया, लेट्स सपोज हम लिख कोई और प्रोडक्ट हैं, सैमसंग गैलेक्सी S8 लिखते हैं, तो ये देखें ये ऐड आ रहा है, ठीक है, ये AD लिखा हुआ है, ये ऐड आ रहा है। तो ये होता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये होते हैं पेड क्लिक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिसने भी ये ऐड लगाया है शॉप टोटल वायरलेस डॉट कॉम वाले ने, ये पैसे देगा गूगल को इस काम के, क्योंकि आप इसकी वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, ये रैंक नहीं हुआ हुआ, रैंक सैमसंग हुआ हुआ है, लेकिन इसने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं SEO नहीं कर रहा, मैं ऐड दूंगा, तो वो क्या कर रहा है, पैसे दे के आ रहा है। ये काम भी आप कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। अब आपको क्या लगता है इस कीवर्ड पे, सैमसंग गैलेक्सी S8 के कीवर्ड पे गूगल उसका ऐड सैमसंग की वेबसाइट से ऊपर दिखा रहा है, तो उसको चार्ज कितना कर रहा होगा, CPC बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिफ इसने इसने अब इसने हमने क्लिक कर दिया, इसको बेचारे को कुछ डॉलर लग गए, ठीक है, तो अब ये 1 नंबर पे आ रही है, 2 नंबर पे आ रही है, GSM अरीना तीसरे पे आ रही है, अमेजोन आ रहा है चौथे पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं, तो ये आपकी कंटेंट आ रहा है, ये सारे लोगों ने कंटेंट इस कीवर्ड पे लिखा हुआ है जो कि वो रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, सैमसंग का ब्रांड कीवर्ड है तो सैमसंग को ही ऊपर आना चाहिए, तो लेकिन सैमसंग ने 2 प्लेसमेंट खा ले ली, वन फर्स्ट रैंकिंग और सेकेंड रैंकिंग ली, इसके बाद लोगों को थर्ड फोर्थ रैंकिंग मिल रही है, तो ये कीवर्ड को भी देखना पड़ता है कि आप किस कीवर्ड पे फर्स्ट रैंक हो भी सकते हो या नहीं हो सकते। तो सर्च इंजन मार्केटिंग जो होती है SEM, वो ये होती है कि जो आप रैंकिंग अपनी फर्स्ट पे दिखाना चाहते हो ऐड के थ्रू, जिसके लिए आप गूगल को भी पैसे देते हो और यूज़र से भी पैसे लेते हो। दूसरा होता है SEO, जिसमें आप मेहनत करके कुछ टाइम स्पेंड करके, जिसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते आपके, आप ऑर्गेनिकली रैंक कर जाते हो। अब बंदा इसको 100 दफ़ा आए, आपको कोई पैसे नहीं लगने, इसमें 100 बंदा आएगा तो पैसे 100 बंदों के हिसाब से लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लिक के गूगल ले रहा है $2, यहाँ पे क्लिक कर दिया और 1000 बंदे ने क्लिक किया तो बंदे ने $2000 चार्ज हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे 1000 बंदा क्लिक करेगा तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये इसलिए SEO का बेनिफिट होता है हमेशा। अच्छा अब हम वापस इसी में आ जाते हैं। अच्छा इसके बाद एक इंट्रोडक्शन में आता है व्हाइट हैट वर्सेस ग्रे हैट, एक होता है ब्लैक हैट भी, व्हाइट हैट और ग्रे हैट SEO क्या होता है। देखें कोई हर काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, व्हाइट हैट ऐसा काम जो कि एक साफ सुथरा काम है, गूगल कहता है भाई ऐसे ही करना है आपने और आप वैसे ही करते हो, जिसमें आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं करते, ठीक है। ग्रे हेड क्या होता है, ग्रे हेड होता है कि आप थोड़ा सा अपने आपका तरीका बदल लेते हो ताकि आप जल्दी रैंक हो जाओ, लेकिन गूगल कहता है ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप थोड़ा सा तरीका बदलते हो और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो, ये हम काम करता है, बट अगर गूगल आपसे नाराज़ हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट जो उसने क्रॉल और इंडेक्स की थी ना यहाँ पे, तो वो डी इंडेक्स कर देगा, डी इंडेक्स से मुराद वो गूगल पे आपकी वेबसाइट दिखाएगा ही नहीं, तो इसके चांसेस भी होते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो भी फॉलो करना है वो वाइट हैट करना है, ग्रे हैट और ब्लैक हैट वो करते हैं जो फील्ड में बहुत तेज़ होते हैं। तो अभी आप लोगों ने ब्लैक हैट तो समथिंग जो गूगल कहता है भाई करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए,
वो तो आप लोग ने बिल्कुल भी सोचना भी नहीं, ब्लैक हैट में जो भी आ रहा है वो नहीं करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गूगल कहता है आपने कीवर्ड जो लिखना है उस पर कॉन्टेंट लिखना है, उसकी बैक लिंकिंग होनी है, सब कुछ होना है, ठीक है। वो कहता है हर कंटेंट में H1 एक होगा। H1 क्या होता है? हेडिंग, हेडिंग फर्स्ट हेडिंग, मेन टॉपिक जो होगा वो एक होगा, वो वाइट हेड में आता है। आपने उसमें 3 H1 डाल दिए तो वो ग्रे हेड में आ जाएगा, क्योंकि गूगल कहता है हर टॉपिक की, हर पेज की एक ही हेडिंग होनी चाहिए। अब मल्टीपल हेडिंग्स होगी तो वो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 होगी, लेकिन H1, हेडिंग 1 का जो टैग लगेगा वो सिर्फ एक हेडिंग में लगेगा। तो आपने कहा ठीक है, आपने एक हेडिंग लगाई तो यहाँ पे आप वाइट हेड पे आ गए, आपने 2 पे लगा दिया आप ग्रे हेड पे आ गए, ठीक है। अब ब्लैक हेड क्या होता है? ब्लैक हेड में समझ लें ऐसी चीज़ जो गूगल ने सख्ती से मना कर दिया कि आपने ये नहीं करनी है, वो नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल क्लॉकिंग इज समथिंग जो कि हम आगे पढ़ेंगे, क्लॉकिंग आपने गूगल ने बोला हुआ नहीं करनी, रीडायरेक्शन में होती है बेसिकली क्लॉकिंग, तो क्लॉकिंग नहीं करनी। आपने क्लॉकिंग कर दी, गूगल ने अगर पकड़ लिया आपको तो वो आपकी वेबसाइट को, पेज को हटा देगा। गूगल ने कहा कि भाई आपने आपने कोई कॉपीराइट ब्रांड नहीं बेचना, ठीक है, उसके आपको ताकि आप कॉपीराइट बेचोगे आप रैंक नहीं होगे, रैंक होने के लिए आपको ब्लैक हैट ही करना पड़ेगा उसका, तो आप ब्लैक हैट करोगे वो आपका पेज डिलीट कर देगा। तो ये होता है बेसिकली वाइट हैट ग्रे हैट SEO, ठीक है। अच्छा SEO जो बंदा करता है या आप भी करेंगे तो उसको सपोर्ट क्या चाहिए होती है? उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, जो समटाइम्स SEO खुद कर रहा होता है और समटाइम्स उसको नहीं कर सकता, वो उसको ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कंटेंट और एक होता है डेवलपमेंट। अगर मुझे SEO आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा अच्छी, तो ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि मेजॉरिटी SEO की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कंटेंट राइटर को बताते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर ऐसे 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 कंटेंट चाहिए, तो बंदा उसके हिसाब से कंटेंट लिख के देता है। फॉर एग्जाम्पल यू गाइस आर डूइंग गुड ऑन अमेजोन ऑलरेडी, तो अमेजोन में आप लोग कंटेंट लिखवाते हो, बुलेट पॉइंट्स लिखवाते हो, तो वो किसी से लिखवाते हो, ठीक है। आपने बोला भाई ये कीवर्ड्स हैं, आपको इस पे कंटेंट लिख के देते हो, ठीक है। अब वेबसाइट आपकी अपनी नहीं है, अमेजोन पे आप बेच रहे हैं तो डेवलपमेंट वाला काम तो मसला नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो और SEO कहता है कि यार मेरा पेज लोड होता है 5 सेकंड में, लेकिन मुझे इसको 3 सेकंड में लोड करना है, तो उसमें आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स कि डेवलपर उसकी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करता है। अब स्पीड टेस्ट करने के क्या तरीके हैं, वो एक अलग साइंस है, उसके अलग तरीके हैं, उसमें हम आगे टूल्स में जाएंगे जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे, वो डेवलपर का काम है, वो डेवलपमेंट ही करेगा, वो SEO वाला कभी भी नहीं करेगा। तो बेसिकली ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने SEO के बारे में सिर्फ बेसिक्स पढ़ी हैं कि सर्च क्या है, इंजन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं, SEO बेसिकली किसको कहते हैं, सर्च गूगल जो है वो कैसे काम करता है, SEO प्लस SEM में क्या डिफरेंस है, और वाइट हैट ग्रे हैट और ब्लैक हैट क्या होता है, और SEO को किन किन चीज़ों के पिलर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो काम कर सके। कॉन्टेंट एंड डेवलपमेंट नहीं है तो SEO का भी कोई काम नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दिस। और हमारी जो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, जैसे हमारे फेसबुक एड्स में एक टूल था हमारे पास फेसबुक, तो यहाँ पे डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टूल्स हैं और कुछ काम के लिए कोई टूल नहीं है। तो बहुत सारी वीडियोस इसी तरह से प्रेजेंटेशंस पे होंगी और मेरे लेक्चर पे होंगी, और बहुत सारी जैसे कीवर्ड रिसर्च है वहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूँगा कि कीवर्ड रिसर्च का टूल आपको दिखाऊंगा। डेफिनेटली मेरे पास कुछ पेड टूल्स हैं कि मैं उसको कैसे काम करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें आप हो सकता है कि आपको टूल की स्क्रीन नज़र आ रही हो, कुछ में आपको सिर्फ ऐसे प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी। तो वी विल ट्राई माई बेस्ट कि हम उसको बड़ा इंगेजिंग सा कंटेंट बनाएं इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को भी 3 3 4 4 दफ़ा वीडियो देखने में मज़ा आए। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।